अभी हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं ना, इस लोकेशन की हाइट है समुद्र तल से करीबन करीबन 5000 से 6000 फीट के आसपास। स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीपू नेगी के नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नया व्लॉग लेके, जिसमें कि आज हम जा रहे हैं राफो की तरफ। हमारे गांव में ना एक लोकेशन है जिसको कि राफो कहा जाता है, तो अभी जा रहे हम उस लोकेशन में। और आज ना सवेरे से ही काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है, तो लो हाइट में तो वैसे खैर सवेरे आ रही थी ना थोड़ी बहुत बर्फबारी, लेकिन अभी नहीं आ रही। तो ऊपर हाइट हाइट में ना बर्फ आ चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं हाइट की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस नज़ारे की ओर, और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों करते हैं आज का ये छोटा सा व्लॉग स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, तो आज ठंड ज़्यादा होने के कारण ना हमने अपने हाथ भी पैक कर दिए, ग्लव्स व्लव्स लगा के एकदम पैकिंग हो चुके हैं। और पहाड़ों के ऊपर का नज़ारा है कुछ ऐसा जो कि काफ़ी देखने लायक है। सामने ना ऊपर पहाड़ियों में जो है चारों तरफ बर्फ़ पड़ चुकी है, थोड़ा धुंध है ना उस वजह से दिख नहीं पा रहा है। कल मौसम एकदम साफ़ होगा ना तो पूरा क्लियर नज़ारा दिखाएँगे। बाकी अभी हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये जो लकड़ियाँ आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये है बांध की लकड़ियाँ, और ये लकड़ियाँ जो है ना बहुत ही पक्की होती है यार। इसको अगर हम जलाते हैं ना, जैसे घर में आप लोगों ने देखा हो ना, जो हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं ना वो इसी की लकड़ी यूज़ करते हैं। इसको अगर थोड़ा सा भी लगा देंगे ना जलाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा खासा कोयला बन जाता है उससे, जो कि बहुत देर तक चलता है। और यहाँ पर भी किसी ने अपना सर्दियों का कोटा बना के रखा है, और ऊपर की ओर धुआं भी निकल रहा है, लगता है वहाँ पर कोई भेड़ पालक है। तो चलते हैं वहाँ पर। तो जब कभी ज़्यादा बारिश होने लग जाती है ना, तो ऐसे पेड़ों के नीचे ना आग जलाया जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर भी जलाया गया है। तो ठंड से बचने का ना यही तरीका होता है, यहाँ पर बिल्कुल एकदम अपना शेल्टर बना के रह सकते हैं। देखो ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा खासा पेड़ है, और ये पेड़ के अंदर ना काफ़ी बड़ा एरिया है, ये देखिए गाइस। बाकी मैं दूसरे तरफ से घूम के जाता हूँ और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ऐसा कुछ नज़ारा है इस पेड़ का। ऊपर तक ही खोखला हो चुका है, नीचे से ऊपर तक। तो थोड़ी दूरी ऊपर चल के ना हमारे को यहाँ पर काफ़ी सारे गाय बैल देखने को मिले हैं, और ये लोग भी देखो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार सर्दियों में इनको खाना नहीं मिलेगा, ये भी तो खाना खाएंगे ना। तो देखिए, और ये इसी है बांध की पत्तियाँ है, ये इसको बांध की पत्तियाँ कहा जाता है। तो भेड़ पालक ना ऐसे अपना सर्दियों में देखो जगह जगह पर अपने लिए आग जला के ना गर्म होते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक अच्छी खासी हाइट में, जहां पर कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ी बहुत बर्फ हमारी को देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मेरा दिल ना इतने बर्फ से नहीं भरा, मुझे और काफी ज्यादा बर्फ देखना है यार, जिसमें कि थोड़ा बहुत अच्छे से हम खेल भी सके और कुछ डिजाइन विजाइन भी कर सके। तो अभी तो जाएंगे ऊपर की तरफ ही, पहले मैं जा रहा हूँ वहाँ पहाड़ी के टॉप पे। वहाँ पर पहुँचेंगे ना तो वहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिख जाएगा हमारे को, कहाँ पर ज़्यादा बर्फ है और कहाँ से हमारे को रास्ता लेके निकलना है। तो पहले निकलते हैं वहाँ पर, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो आइए साथ में। इस एरिया में काफ़ी सारे भेड़ पालक है और वहाँ सामने की तरफ ना भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं और उनके लिए ना ये पान की पत्तियाँ काट के दे रहे हैं। तो देखिए नज़ारा कुछ ऐसा है, वहाँ ऊपर की तरफ भी काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, लेकिन हम वहाँ को नहीं जा रहे यार, हम जा रहे हैं इस तरफ को, तो हमें तो यही को ही जाना है अभी। आते साहब निकल चुके हैं आगे। आते का मतलब होता है भैया, ये आप लोग नोटिस कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम पहाड़ी के ऊपर और यहां से ना नज़ारा देखो आप लोग कितना ही प्यारा सा है। ये सामने की तरफ है ब्रुआ विलेज, जो कि ऊपर ऊपर से बर्फ़ में ढका हुआ है, और ये नीचे का नज़ारा भी देख लीजिए। और यहां से जो व्यू है ना चारों तरफ का, वो बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ना यार बर्फ़ में चलते चलते, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है इसमें। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कुछ ऐसे लोकेशन में, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक अच्छी खासी बर्फ़ पड़ चुकी है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर ना कुछ एक ये भी है पोल, और सामने की तरफ ब्रुआ विलेज। तो अभी तो सिर्फ फिलहाल हमने आधा रास्ता ही कवर किया है, अभी तो आधे से ज़्यादा रास्ता ना और कवर करना है। चलिए चलते रहते हैं और आप लोग देखते रहिए। और हमने ना ये कोई आम रास्ता चॉइस नहीं किया जहाँ से कि डेली लोग चलते हैं, ये हम ऐसे ऐसे रास्ते से आ रहे हैं ना जहाँ से कि कोई भी नहीं आता, सिर्फ एक शेफर्ड ही आ सकता है ऐसी लोकेशन से होकर। रास्ता देखिए आप, ये देखिए नीचे की तरफ, अगर इस पे कोई गिर जाता है ना तो सीधा नीचे मिलेगा, नीचे से भी नीचे जहाँ पर वो भेड़ चल रही है वहाँ पर। नीचे जब घर से निकल रहे थे ना हम, तो उस टाइम तो बर्फ़बारी ना बिल्कुल भी नहीं हो रही थी घर पे, और अभी भी वहाँ पर ना बर्फ़बारी नहीं हो रही। अभी मैंने कॉल करके पूछा था, लेकिन अभी जब ही हम यहाँ पर जिस हाइट में है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और नीचे नीचे भी ना काफ़ी अच्छा खासा बर्फ़ बैठ चुका है। तो आइए और दिखाते हैं आपको। Thank you.
तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं अब राफो। पीछे ना हम रास्ता भटक चुके थे, लेकिन अभी हमारे को ना पीछे एक चचा मिले थे, उनने ना बढ़िया सा रास्ता बताया और हम पहुंच चुके हैं अब बिल्कुल रास्ते में। और ये रास्ता भी ना कोई ऐसा आम रास्ता नहीं, यहाँ देखो बर्फ़ कितना है इस पर, ऐसे शूज़ पे ऐसे बर्फ़ इकट्ठा हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। खैर चलो, ये देख सकते हैं आप पहले किसी के चलने के निशान हैं, तो इसी रास्ते को पकड़ के चलेंगे फिलहाल रास्ते तक। बाकी हम हैं तो नहीं सीधे रास्ते में चलने के लिए आए हुए यहाँ पर, हम तो जाएंगे थोड़ा सा इधर उधर भटकते हुए जाएंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राफो, और यहाँ पर ना अभी भी बर्फबारी हो रही है, और पीछे का जो नज़ारा है ना वो तो बहुत ही प्यारा है। वो थोड़ा ऊपर जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको और भी काफ़ी सारे अच्छे नज़ारे। बाकी अभी जा रहे हैं हम यहाँ से ऊपर की तरफ, तो आइए। यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी आई है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जूते हमारे ना बर्फ़ के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर ना हमारे को अब चीड़ के पेड़ देखने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिसमस ट्री हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो न्योजे का पेड़ है ना वो अब इस हाइट से ऊपर हमारे को ना नहीं मिलेगा। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यार स्नो देख के, क्योंकि नीचे घर साइड तो आ ही नहीं रहा है बर्फ, मूड खराब कर दिया इस बर्फ ने इस बार। काफी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। हाँ अरे ऊपर ऊपर आया है बर्फ, ये रात से ही पड़ रही होनी ना इस साइड, तब इस साइड को ज्यादा है। ये तो दोस्तों हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि ना यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया, तो हम पहले इंसान है जो बर्फ आने के बाद इस रास्ते पे चल रहे हैं। तो अभी ना मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ यार, यहाँ पर ना आप लोग ये पेड़ देख लो ज़रा, चीड़ के पेड़ कितने मोटे मोटे ये पेड़ हैं, बेहिसाब। ये कम से कम ऐसा होगा ना 100 साल से भी ऊपर के पेड़ है ये, और ऊपर देखो कितने ऊपर तक है, हाइट देखो इसकी। वापस लाओ ज़रा ये कैमरा नीचे की तरफ, और ये देखो इसका मोटापा देखो, उस नीचे वाले का भी देखो, उस वाले को भी देखो दोस्तों। तो जितना ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं ना हम लोग, बर्फबारी उतनी ही तेज़ होती जा रही है और नज़ारे उतने ही एक नंबर होते जा रहे हैं। और यहाँ देखो आप लोग नीचे की तरफ काफ़ी सारे सेब के पौधे भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मैं हर व्लॉग में आप सभी को बताते रहता हूँ कि सेब के पौधे के लिए ना बर्फबारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वही चीज़ ना यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देखो यहाँ पर इतनी बर्फ़ आती है ना, और सेब के पौधे देखो कितने अच्छे रंग ला रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं काफ़ी जल्दी। और बर्फबारी कम नहीं है, काफी ज्यादा है ये देखो, और ऊपर का नजारा। और इस खेत की देखरेख के लिए ना एक घर भी है यहाँ पर बनाया गया, तो हम तो जाएंगे उस लोकेशन पे। चलिए यहाँ से टाल लेते हैं।
काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, क्योंकि यार इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ बर्फ़ का, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से, लेकिन नीचे तो आई नहीं, हमारे को खुद ही चल के आना पड़ा बर्फ़ के पास। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे। मेरा मन था कि मैं इस लोकेशन तक आऊं ही आऊं, बाकी देखो चारों तरफ के नज़ारे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ऐसा कुछ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, और बड़े भाई भी फुल एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ के साथ, और ये यहाँ पर कुछ काफ़ी अच्छा सा नज़ारा। बाकी यहाँ से चारों तरफ के जो नज़ारे ना वो बहुत ही प्यारे से, क्योंकि चीड़ के पेड़ है ना चारों तरफ, तो ऐसे लग रहा है कि इतने सारे क्रिसमस ट्री है ना यहाँ पर, और सारे इतने सुपर लग रहे हैं सब के सब। बाकी मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मन था यार कि बर्फ़ आ जाए नीचे तक, लेकिन नीचे तो आई नहीं, ये ना स्नो डायरेक्ट आइस में जा रही है ना, उस वजह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। बाकी खैर देखिए नज़ारे। तो हमारे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तो आप सभी ने देख ही लिया है। तो अभी हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं ना, इस लोकेशन की हाइट है समुद्र तल से करीबन 5000 से 6000 फीट के आसपास, और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है और बर्फ़ भी चारों ओर पड़ रही है। तो अभी यहाँ पर बर्फ़ खेल रहे थे ना यार, तो उस वजह से सारा बर्फ़ ना कपड़े में चले गया और यहाँ से अंदर भी चले गया, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी अगर आप सभी को मेरा ये आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मैं दीपू नेगी ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आते रहता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।